पाटीदार ने आज तीन ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज मैच था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, जिसमें कुल मिला के 6-7 रिकॉर्ड बने, जिसमें से अकेले रजत पाटीदार ने अपने नाम 3 रिकॉर्ड किए। दोस्तों इन रिकॉर्ड्स के बारे में तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर मैच के हाल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों पंजाब किंग्स ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो कि थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन इसका फायदा मिला, जी हाँ, बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को। बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस आए मैदान पर, लेकिन डुप्लेसी कुछ खास नहीं कर पाए। आज विल जैक भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आए रजत पाटीदार। इन दोनों ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी की दोस्तों, और अपनी टीम को बहुत ही बड़ा लक्ष्य बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। विराट कोहली ने 47 गेंदों में 92 की पारी खेली, जहां पर उनको 2-3 जीवदान भी मिले, मैं ऐसा भी कहूंगा, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए। 195.74 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये रन बनाए, लेकिन कमाल की इनिंग खेली रजत पाटीदार ने, जिन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 55 रनों की एक धुआंधार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के, जी हाँ दोस्तों 6 छक्के लगाए। 239.13 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। इसमें ग्रीन ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने 27 गेंदों में 46 की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था 170 के स्ट्राइक रेट से। और उसके बाद कार्तिक ने भी 7 गेंदों में 18 रन बनाए 257 के स्ट्राइक रेट से, जिसके बाद पंजाब के पूरी टीम सिर्फ 181 रन ही बना पाई, जिसमें भी रोली रॉसो का ही 27 गेंदों में 61 रनों का योगदान रहा 225.93 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद बताने जैसा कोई भी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं खेल पाया जिसके बारे में बताया जा सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड्स की। सबसे पहला रिकॉर्ड तो है आरसीबी के नाम, जिन्होंने हाईएस्ट टोटल फॉर आरसीबी इन आईपीएल, आईपीएल में अब तक उनके सबसे बड़ी टोटल्स की बात करें तो ये उनका नंबर 4 का टोटल रहा 241 रन पर 7 विकेट। इससे पहले एक नंबर का उन्होंने 2013 में गिल के 175 के रन के वजह से 263 पर 5 बनाया था। उसके बाद इसी साल 2024 में एसआरएच के खिलाफ यहाँ पर बेंगलुरु में 262 का उन्होंने टोटल बनाया था, और 2016 में 248 रन बनाए थे गुजरात लायन के खिलाफ, और अब 241 पंजाब के खिलाफ उनका नंबर 4 का टोटल हो चुका है। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मैच बैंगलोर में नहीं खेला जा रहा था, जबकि पंजाब के होम टाउन में खेला जा रहा था, और बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का किसी भी दूसरे के वेन्यू पर ये सबसे बड़ा स्कोर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा स्कोर है किसी दूसरे वेन्यू पर, मतलब पहले जो 3 स्कोर मैंने बताए वो उन्होंने सिर्फ बैंगलोरों में ही बनाए हैं। अब बात करते हैं हर्षल पटेल की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हर्षल पटेल इन पंजाब होम गेम्स दिस सीजन, इस सीजन में पंजाब के होम ग्राउंड पर हर्षल पटेल की अगर गेंदबाजी देखेंगे तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे। 47 पर 2 विकेट, 30 पर 2 विकेट, 21 पर 1 विकेट, 31 पर 3 विकेट, 15 पर 3 विकेट, 24 पर 3 विकेट, 38 पर 3 विकेट, कुल मिला के उन्होंने 17 विकेट लिए अपने होम ग्राउंड पर, जिसमें एवरेज 12.11 का था, स्ट्राइक रेट 8.8 का था, और इकोनॉमी भी देखेंगे तो सिर्फ 8.24 की है। तो कमाल का परफॉर्मेंस रहा उनके अपने होम ग्राउंड पर। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं रजत पाटीदार के रिकॉर्ड्स के बारे में। रजत पाटीदार इन अवे गेम इन आईपीएल 2024, जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु को छोड़ के दूसरों के होम ग्राउंड में जब भी रजत पाटीदार खेलने जा रहे, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। अभी हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। सिर्फ पहली मैच जो चेन्नई के खिलाफ थी, उन्होंने चेन्नई में सिर्फ 3 गेंदों पे 0 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 26 गेंदों में 50 रन, कोलकाता के स्टेडियम में
23 गेंदों में 52 रन, हैदराबाद के स्टेडियम में 20 गेंदों में 50 रन, और आज धर्मशाला में 23 गेंदों में 55 रन। मतलब कुल मैच 5 खेले उन्होंने बाहर, बेंगलुरु से बाहर, और उसमें 450 लगाई, और स्ट्राइक रेट की तो बात ही मत कीजिए दोस्तों, खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। अब बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की, तो फास्टेस्ट 50 फॉर आरसीबी इन आईपीएल बाय बॉल्स फेस्ड, 17 गेंदों में गेल ने बनाई है, हम सबको पता है। पाप डुप्लेसिस ने इसी साल 18 गेंदों में बनाई है जीटी के खिलाफ, उसके बाद उथप्पा ने 19 गेंदों में बनाई है 2010 में, जिसके बाद अब नाम आ जाता है पाटीदार का, उथप्पा के साथ उन्होंने भी 19 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ 2024 में 19 गेंदों में बनाई थी, जिसके बाद एबी डिविलियर्स ने 21 गेंदों में 2012 में बनाई थी, और फिर से दो बार रजत पाटीदार का नाम आता है जिन्होंने कोलकाता के खिलाफ 21 गेंदों में 50 बनाई थी इसी साल, और अब पंजाब के खिलाफ 21 गेंदों में ही 50 लगाई है। तो ये कमाल का रिकॉर्ड है, जहां पर फास्टेस्ट 50 में अगर देखें तो पहले 7 प्लेयर्स में, मतलब 7 नाम में रजत पाटीदार का नाम 3 बार शामिल हो चुका है। और फास्टेस्ट 50 में रजत पाटीदार की एक और अगर बात कहूँ तो रजत पाटीदार वर्सेस लेग स्पिन इन आईपीएल 2024, आईपीएल 2024 में लेग स्पिनर के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 48 गेंदे खेली है, जिसमें उन्होंने 127 रन बनाए, और वो सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर देखें तो उन्होंने 4 चौके और 15 छक्के लेग स्पिनर को लगाए हैं, और उनका लेग स्पिनर के खिलाफ स्ट्राइक रेट है 264.58 का। तो है ना दोस्तों, रजत पाटीदार के 3 ऐसे जो हैरान करने वाले रिकॉर्ड। तो क्या आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है कि आरसीबी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।